छत्तीसगढ़ में पिछले डेढ़ दशक से सत्तारूढ़ बीजेपी राज्य में अपनी सत्ता बचाए रखने की कोशिशों में जुटी है तो कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए संघर्षरत है। लेकिन इस बीच नए राजनीतिक समीकरण में मायावती ने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की नई पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के विपक्षी दलों को एक साथ करने की योजना को ध्वस्त करते हुए मायावती ने उन्हें तगड़ा झटका दिया है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी सुप्रीमो मायावती ने ऐलान किया कि छत्तीसगढ़ में जोगी की पार्टी के साथ बसपा चुनाव लड़ेगी तो मध्य प्रदेश में उनकी पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ सकती है। छत्तीसगढ़ में चुनाव जीतने की सूरत में जोगी गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री होंगे। वहीं दोनों दलों के बीच हुए समझौते के तहत 90 में से 35 सीटों पर बसपा लड़ेगी जबकि अजीत जोगी की पार्टी 55 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। और जिस पार्टी के साथ लिया काफी सोच विचार करने के बाद अब हमने ये डिसीजन ले लिया है कि ये दोनों पार्टियां मिलकर वहां पर चुनाव लड़ेंगी। और छत्तीसगढ़ में कुल 90 विधानसभा की सीटें हैं तो गठबंधन में 90 में से 35 सीटें बहुजन समाज पार्टी लड़ेगी और 55 सीटें जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे लड़ेगी। तो ये गठबंधन ये सीटों का बंटवारा हुआ है।